तो एक और बड़ी जानकारी है दर्शकों तक पहुंचाते हैं, तो बड़ी और अहम खबर का रुख कर लेते हैं। बूंदी कलेक्ट्रेट में भड़काऊ बयान देने का मामला है, जिसमें कोतवाली पुलिस ने एक मौलाना को गिरफ्तार किया है। मौलाना नदीम अख्तर सकाफी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों नूपुर शर्मा को लेकर के इन्होंने बयान दिया और मौलाना के एक साथी को भी इसी के चलते अरेस्ट कर लिया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी है, मौलाना को गिरफ्तार किया गया है और पिछले दिनों नूपुर शर्मा को लेकर के मौलाना ने बयान दिया था और इसलिए ये गिरफ्तारी हुई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, पुलिस ने मौलाना को गिरफ्तार किया है। दिनेश डांगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिनेश, मौलाना को गिरफ्तार किया गया है नूपुर शर्मा को लेकर के बयानबाजी के चलते, क्या जानकारी है? जी देखिए, नूपुर शर्मा ने जो पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी की थी उसको लेकर आज से करीब 28 दिन पहले यानी 3 जून को ये जो मौलाना है नदीम अख्तर सकाफी उसके नेतृत्व में एक प्रदर्शन किया था बूंदी के कलेक्ट्रेट में, और 5 जून को मौलाना के भड़काऊ बयान को लेकर FIR दर्ज हुई थी कोतवाली थाने में। आज कोतवाली थाना पुलिस जो है हरकत में आई उदयपुर हत्याकांड के बाद और जो मौलाना है उसको गिरफ्तार कर लिया भड़काऊ बयान देने के मामले में। उनके साथ एक उनके साथी है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है और माही नगर से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल कोतवाली थाने में दोनों आरोपी मौजूद है और बाद में उनको अदालत में पेश यहां पर किया जाएगा। तो अब भड़काऊ बयानबाजी देने वाले चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, कितना ही बड़ा शख्स हो, उसकी गिरफ्तारियां यहां पर शुरू हो चुकी है और लगातार इस मौलाना की गिरफ्तारी की मांग भी हो रही थी। उसके बाद आज बूंदी की कोतवाली थाना पुलिस ने मौलाना को अरेस्ट कर लिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश इस बातचीत और जानकारी के लिए।